आज का उपाय तुम्हारे रिश्ते को सेफ करने के लिए है, आज का उपाय तुम्हारे संबंधों को पूरी तरह से तुम्हारा बनाने के लिए है। आपको सिर्फ ये वाला धागा झाड़ू में कस के बांध देना है, उसके बाद पूरी दुनिया तो क्या, तुम्हारा प्यार खुद भी चाहे तो किसी और का नहीं हो सकता। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से मजबूत करके आपके जीवन में प्यार भरने का साधन है, आपके रिश्तों को बचाने का, संबंधों को मधुर बनाने का, परिवार को सुरक्षित रखने का और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी पार्टनरशिप को, तुम्हारे दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाने का एक अद्भुत साधन है। यहां पर पिछले बड़े लंबे समय से निरंतर बार बार लोगों की धन्यवाद की कतार चली आ रही है और ये कतार हो चुकी है क्लोज टू 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सक्सेस है। सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। जहाँ ज्योतिष और अध्यात्म को पहले 10-12-15% से ऊपर कभी माना नहीं गया, वहाँ 95+ होना अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ निरंतर प्रयत्न किया जाता है। हम रिसर्च कर रहे हैं गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का, ग्रंथों का, उन समाज से निकाली हुई वेद वेदांग की बातें जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन आपकी भाषा में, जो आपको समझ में आता हो। झाड़ू पर एक धागा बांध देने से आपके अपने जीवन में इतना बल बढ़ सकता है, ये वेद वेदांग कहता तो है लेकिन उसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट थी, उसको तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि बस झाड़ू में ये धागा बांधो, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, इवन दिन तुम्हारा प्यार स्वयं भी अगर चाहता हो किसी और का होना तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली चाह के भी किसी और का नहीं हो सकता। प्यार सच्चा है अगर निष्ठावान है आप, आपने पूरी सच्चाई के साथ किसी चीज को संभाला है, तो भाई हम तो रोज ही कहते हैं शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ हैं। तो जोड़ियां आसमान में बनती, उसका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम आपको बार बार इस बात के लिए आपको आगाह करते हैं कि हम लोग विश्व में सबसे बेहतर तरीके से काम करने वाले लोगों में से है। ये कपोल कल्पित नहीं है, ये आत्म प्रशंसा नहीं है, ये स्वयं की बड़ाई करने का साधन नहीं है, ये तुम लोगों पर विश्वास है। तुम्हारा जो विश्वास मिला है, तुम्हारा प्रेम जो मिल रहा है, मैं जब तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा गुरु हूं, तो ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इस संवाद को, इस वार्तालाप को हमने और आपने मिलकर बड़ा बल दिया है। और ये वो लोग नहीं है जो जनरल बातें सुनने आते हैं, ये वो लोग नहीं है गाना, भजन और इधर उधर की बातें, जनरल नॉलेज लेने, खाना बनाना सीखना आते हैं। यहाँ ये सिर्फ वही लोग हैं जो प्यार संप्रदाय को समझने वाले लोग हैं, है ना? ये संवाद 4 बजे का हमारा आपका इसलिए भी बड़ा स्पेशल है कि दुनिया की कोई भी आपदा आई, हमने इस संवाद को स्थगित नहीं किया। मैं हर दिन 4 बजे का इंतजार उसी बेसब्री से करता हूं जिससे तुम करते हो। ये बातचीत भले ही एकाकी है, जब तुम कहते हो तो हम सामने नहीं होते, जब हम कहते हैं तो तुम हमसे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम बात ही ऐसी कहते कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही कहां पड़ती है। प्रेम की तो एक ही भाषा है, उसे मौन कहते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम, वेद कहता है जब कोई बात का जवाब नहीं दिया जाए तो उसका मतलब स्वीकृति होती है, स्वीकार कर लिया गया है ना। तो तुम हमारी बातों को स्वीकारते हो, समझते हो, मानते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा रूठना, तुम्हारा मनाना, तुम्हें अच्छा सोचना, तुम्हारा बुरा सोचना, हर एक स्तर पर जो भी तुम करते हो मुझे सब पसंद आता है। मुझे तो सिर्फ तुम दिखते हो, तुम ही तो हो जिन्होंने राजा, रंग, फकीर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ तुमने बनाया है।
नेता अभिनेता ऐसा कौन है जिसे तुमने नहीं बनाया? तुम ही तो सब कुछ हो। अगर हम ये मान लें कि बड़ी संख्या में कोई भक्त ही है, तो भक्त है तभी तो भगवान है ना। जब तक श्रोता नहीं हो तब तक वक्ता की कीमत नहीं होती। जब तक सुनने वाला और उसे ग्रहण करने वाला नहीं हो तब तक उसकी वैल्यू नहीं रहती। आपको एक बात पता है, तुम्हारे साथ ये जो संवाद है ये और बहुत गहरा होता जा रहा है। दो दिन पहले मुझे पर गूगल और यूट्यूब से एक मेल है, अगेन ये छठा मेल है, जहाँ पर उनका कहना है कि लव विद एस्ट्रोलॉजी और आचार्य सतीश अवस्थी यंगस्टर्स की सबसे ज़्यादा बड़ी पसंद होते जा रहे हैं। ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम का रंग तो है जो गहरा होता जा रहा है। ये हमारे आपके बीच के ये संवाद का आनंद ही तो है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है। सखी पतंग जलता है लेकिन हाँ ए सखी, सखी पतंग जलता है लेकिन संघ संघ दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो आज मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी दुनिया चाह ले तो भी, इवन देन वो स्वयं चाह ले तो भी, किसी और का नहीं हो सकता। बस ये उपाय कर लीजिए। पूरा विश्लेषण बता रहा हूँ, बस एक छोटा सा अनुभव लेता हूँ आपके बीच से, एक वॉइस मैसेज प्लीज। जी नमस्कार गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमारी लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। आज वही हमारे साथ इतना अच्छे से रहते हैं। कितना रोती थी मैं आपके, जब से आपसे हमारा संपर्क हुआ हम जिंदगी में बहुत खुश रहने लगे। धीरे धीरे और भी बहुत सारी खुशियां हमको मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम पाना चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। श्रद्धा और विश्वास उस बात का नाम नहीं है कि तुम्हें कुछ मिल रहा है तो तुम्हारा विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास उस फीलिंग का नाम है कि एक बार जिस पर विश्वास और श्रद्धा आ गया फिर वो टूटेगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं। पन्ना तो सिर्फ व्यापार है, कुछ मिला तो श्रद्धा विश्वास है, नहीं मिला तो श्रद्धा विश्वास नहीं है। हाँ, कोई साधु कुछ दे दे, एक कहावत है गांव साइड में, वर मिले तो संत कसाई, नहीं मिले तो आफत आई। अगर मिल गया आपका मन चाहा वर तो किसी एक के लिए वो व्यक्ति बहुत बुरा हो जाएगा, नहीं मिला तो दोनों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो विषमताएं मस्तिष्क की है, चिंतन आत्मा का है। जहां दिल है, जहां प्रेम है, वहीं रहने की कोशिश करना। अब मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, आपको करना बहुत सामान्य काम है, समझने की कोशिश करना कि झाड़ू को हमारे यहां लक्ष्मी भी कहा जाता है। दीपावली के पहले झाड़ू खरीदना बड़ा शुभ मानते हैं, पता है ना, दीपावली लक्ष्मी पूजा है, उसके पहले झाड़ू खरीदी ही जाती है। आपको अच्छे से पता होगा धनतेरस में लोग झाड़ू खरीद के लाते हैं लक्ष्य चतुर्दशी के पहले। पुराने लोग ऐसे कहते थे कि सायंकालीन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन होता है, अच्छा नहीं माना जाता, घर से लक्ष्मी चली जाती है। पुराने लोग कहते थे कि झाड़ू को खराब जगह रखना या झाड़ू को खड़ी करके रखना अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से घर में अशांति फैलती है, द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, झगड़े बसात बढ़ता है। झाड़ू को बार बार जगह चेंज करना, हर बार अलग अलग जगह रख देना, ऐसा करने से भी बहुत कुछ खराब हो जाता है। झाड़ू को लेकर के बड़ी किंवदंतियां हैं, बड़े सारे उपाय हैं, परंतु आप इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना कि झाड़ू का काम है उस स्थान को निर्मल और स्वच्छ बनाना, झाड़ू का काम है पवित्रता बढ़ाना,
झाड़ू का काम है निगेटिविटी, नकारात्मकता और गंदगी पूरी तरह से साफ कर देगा। झाड़ू का काम है रगड़ के, घिस के, जिस भी जगह उसका स्पर्श कराया जाए, लोहे को सोना बनाने की भावना है झाड़ू के अंदर। झाड़ू के अंदर एक और बड़ी व्यवस्था है जहां झाड़ू गंदगी साफ करती है। जरा ध्यान से समझना, तुम्हें समझ में आने लग गया होगा अब तुम्हारा सब्जेक्ट। जहां झाड़ू गंदगी साफ करती है, जहां झाड़ू पवित्रता का दूसरा स्वरूप है, वहां झाड़ू स्वयं में अपवित्रता का बड़ा स्वरूप है। बाथरूम वाली झाड़ू आप नहाने के बाद छूना चाहेंगे क्या? झाड़ू अपने आप में बड़ा तंत्र प्रयोग है। झाड़ू को लेकर के अनेकों उपाय बताए गए हैं पहले, अनेकों लोग पहले से उस पर रिसर्च करते रहते हैं। तो झाड़ू जो बंधी होती है जिस भी चीज से, झाड़ू अगर हल्की चीज से बंधी हो बहुत जल्दी छूटती है, क्योंकि झाड़ू में बहुत लोग एक साथ हैं। बहुत क्या है झाड़ू में, क्या है, बहुत सारे अंश एक साथ हैं और उसको बांधने के लिए प्रायः देखिएगा तार और लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओरी डोरी तो कट ही जाती, 100% टूट जाएगी, कट जाएगी या निकल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? झाड़ू दूसरी भावना में एक होने का नाम है, बहुत अनेकों को एक करने का नाम झाड़ू। क्या कह रहा हूं मैं? अनेक को एक करने की भावना है और उसमें से कुछ कुछ लोग निकलने लगते हैं परिवार से बाहर, तो झाड़ू ढीली होने लगती है। झाड़ू को लेकर के बड़ा भयानक रिसर्च है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में लोग अलग ना हो, तो झाड़ू को लेकर के जितनी किंवदंतियां हैं उनको सबको मानिए, सही एक ही स्थान पर रखिए, कभी खड़ी मत रखिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाइए, झाड़ू की पवित्रता का, उसकी व्यवस्था का, खराब झाड़ू घर में मत रखिए, उल्टी सीधी झाड़ू घर में मत रखिए, झाड़ू को लेकर के कंजूसी मत करिए, ऐसी कितनी ये चीजें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जहां वो बंधी होती है वहीं पर आपको तीन रंग का धागा लेना है और अपने पैर के तलवे को तीन भाग में बांटना है। मतलब जितना बड़ा पैर का तलवा है उसको तीन बार नाप लेना है, जैसे लोग बित्ते से नापते हैं वैसे आपको पैर के तलवों से नापना है। तीन तीन भाग बांध नाप के उन तीनों डोरियों को एक बना करके झाड़ू के अग्रभाग में रात्रि में बांध कर 7 गांठ लगा दें उसके नाम से, जिसको आप चाहते हैं कि वो किसी का ना हो, जिसको आप चाहते हैं, आपका प्यार, आपकी प्रेमिका, आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, जो भी, 7 गांठ लगा दीजिए रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात। और प्रयत्न कीजिएगा झाड़ू लगाने, मतलब ये बांधने के बाद आप उसको कहीं एक ही जगह दबा के रखते हैं। सुबह जब झाड़ू लगाने का काम हो उसके पहले आपको ये सूर्योदय के पूर्व इसको खोलकर निकाल लेना है इस धागे को, और इसको उसी डस्टबिन में डालना है जहां सबसे ज्यादा गंदगी रखी हो। ऐसा करने से ये मात्र टोटका है, इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, इसमें किसी तंत्र की जरूरत नहीं। रात्रि भर झाड़ू भी ये बंधी रही हुई 7 गांठें आपके 7 जन्मों के लिए उसको एक कर देगी। एक दो जन्म के लिए नहीं हो रहा है, ये 7 जन्म जन्मांतर का संग है। हाँ, और फिर ये 7 ही होंगे, कोई रोक नहीं सकता। बस भावना भी शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, इसके पीछे का मंतव्य भी बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये काम रविवार मंगलवार ज्यादा कारगर हो जाता है, अमावस्या पूर्णिमा एकादशी और ग्रहण काल में ये बहुत पावरफुल हो जाता है। इस किया तो कभी भी जा सकता है, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, इसलिए गुरु मंत्र से इसे कीलित किया गया, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपने आप को खूब सुंदर बनाना, अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ में बताना, और हाँ, रोना, बिलखना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना प्लीज बंद कर दीजिए। ऐसा आप नहीं करेंगे, वीडियो स्किप करके भी मत देखा करो, कोई फायदा नहीं होता है, पूरा देखोगे तभी कुछ मिलेगा, समझ में है ना? बहुत ध्यान रखो अपना। ओम नमः शिवाय।